दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। और इस समय मैं खड़ा हुआ हूं कुतुब खाना रोड पर, जो जिला हॉस्पिटल के बाहर का नजारा दिखा रहा हूं और कैमरे की नज़र से अपने। आखिर कौन है इस व्यवस्था का जिम्मेदार? आखिर क्यों है ये ट्रैफिक व्यवस्था फेल? यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है और वहीं पर इतना जाम लगा हुआ है। इस जाम का कारण है फोर व्हीलर वाहन। दोनों तरफ का जो नज़ारा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसी व्यवस्था है कि जहाँ, अरे तुम लोग इधर आ जाओ, इधर लगा, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चौपट लगा देंगे। इस समय नगर निगम के संबंधित कर्मचारी इस गड्ढे में काम कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइन फट गई है, इसकी वजह से कई क्षेत्रों में आज पानी की किल्लत है। आजमनगर, सिकलापुर, बांस मंडी, तारी खाना, वहाँ पुलिस यातायात को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस व्यवस्था का आखिर कौन है जिम्मेदार? कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक तो ओवर ब्रिज बन रहा है और वहीं फोर व्हीलर गाड़ियाँ इस कुतुब खाना चौराहा से निकल रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। सूत्र बताते हैं कि जिस समय इस देश का विभाजन हुआ था तो 10-10 फीट के बरांडे हुआ करते थे। आखिर वो बरांडे कहाँ गायब हो गए? जो जगह तंग हो गई, ओवर ब्रिज बन रहा है जनता की सुविधा के लिए। अगर वो बरांडे खाली कराए जाएं तो शायद ये किल्लत नहीं होगी, ये ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और ये जो व्यवस्था है आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद नाम है और मैं कुमारटा के पीछे रहता हूँ, निवासी हूँ। जी जी जी। और कल से 7 बजे से यहाँ पर इस पुल की वजह से जो निर्माण हो रहा है इसमें कितनी परेशानी आ रही है। पाइपलाइन फट गई है, पानी अभी तक लोगों को मैस्टर नहीं हुआ है और सराय खान के लोग, आजमनगर के लोग, बिहारीपुर के लोग, बहुत सारी जगह के लोग काफ़ी परेशान है। बिल्कुल खाने के लिए भी पानी नहीं है, पानी की किल्लत है इतनी कि लोग बिल्कुल आज ना नहाए हैं, ना खाने को उनको मिला है, ना उनका घर में कुछ चूल्हा चौका चला है। और ये जो है कब तक सही होगा इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि उधर जाइए उधर जाइए, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एसपी ट्रैफिक को भी ये देखना चाहिए, यातायात को, कि यहाँ पर तंग जगह है, किस कदर फोर व्हीलर गाड़ियाँ आ रही हैं, आखिर क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये भी एक जांच का विषय है। आखिर कहाँ गए वो ट्रैफिक पुलिस, कहाँ गई वो व्यवस्था? इसीलिए मैं 2-in-1 कैमरे से दिखा रहा हूँ। जो विशेष कैमरा है आधा आगा और पीछे दोनों साइड का नज़ारा। स्वामी विवेकानंद पार्क के अंदर भी अंधेरा और पटेल चौराहा से लेकर नगर निगम तक का हाल हम दिखाने जा रहे हैं। आखिर क्या संबंधित अधिकारी प्रकाश विभाग के अंधेरे में देखने के लिए नहीं निकलते? कौन होगा किसी के साथ अगर दुर्घटना घटित होती है इस अंधेरे के कारण तो जिम्मेदार? हम दिखाते हैं आपको, ज़्यादा दूर का मामला नहीं, नगर निगम के आसपास की लाइटों का मामला, किस कदर गड्ढा है। स्मार्ट सिटी के तहत कोई कार्य हो रहा है लेकिन स्ट्रीट लाइट, 2 लाइटें हैं ये हमने देखा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? नन्ने भाई, ये जो नगर निगम तक लाइटें क्या सारी जलती हैं? सारी कहाँ जल नहीं, 2 तो कम है, अभी 2 तो बंद पड़ी हुई हैं। 2 बंद पड़ी हैं, बाकी जो गड्ढे पड़े हुए हैं खोदे हुए किसी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। आज गड्ढा मुक्त का वो नज़ारा हम दिखाने जा रहे हैं अपने कैमरे की नज़र से कि एक और स्मार्ट सिटी बरेली का रोड पड़ रहा है तो दूसरी ओर मिट्टी गड्ढा, और वो ज़्यादा दूर का नज़ारा नहीं, वो नगर निगम के गेट के बाहर का नज़ारा है। वो नज़ारा तो कितना अच्छा है हम आपको दिखा रहे हैं, वो नगर निगम के गेट के बाहर का नज़ारा। एक और जहाँ रोड पड़ रहा है, जहाँ गड्ढा मुक्त करने की बात की जा रही है, वहीं धूल प्रदूषण मिट्टी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये ज़्यादा दूर का नहीं, ये बरेली के जलकल विभाग का नगर करने की नज़र से दिखा रहा हूँ। एक और जेसीबी चल रही है
और दूसरी ओर मिट्टी और धूल उड़ रही है। ज्यादा दूर का नजारा नहीं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको नगर निगम के गेट के बाहर का नजारा। एक ओर रोड पड़ रहा है तो दूसरी ओर मुल्ला जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहूंगा भाई जी, बताएं भाईजान। आप देखिए यहाँ पर सड़क जो पड़ रही है, ये वार्ड जो क्षेत्र है ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ये हॉटमिक्स की सड़क इस समय डाल रहे हैं और आधी सड़क पे हॉटमिक्स की सड़क पड़ रही है और आधी सड़क पुरानी है। अब आप देखिए कि जो पुरानी सड़क है जहाँ पर पब्लिक निकल रही है उस पर कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन सड़क पर सड़क डालने का काम, जनता के धन का दुरुपयोग करने का काम ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कर रहे हैं। ये जनता के खून पसीने और मेहनत की कमाई का बताइए कि कहाँ पर, पता नहीं क्या हमारे अधिकारियों को दिख नहीं रहा कि जहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं वहाँ पर काम नहीं होगा और जहाँ पर कोई गड्ढा नहीं था वहाँ पे सड़क डालने का काम किया। और इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि इसी सड़क पर 1.5 से 2 महीने पहले भी हॉट मिक्स के साथ सड़क की रिपेयरिंग की गई थी। क्या कारण है फिर से सड़क पर सड़क डालने का काम किया गया और जनता के धन का दुरुपयोग किया गया, इसकी जाँच होनी चाहिए। जाँच ये है पटेल चौक और ये लाइट बंद पड़ी है और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढा यहाँ पर है और गड्ढे के लिए दावत दी जा रही है। किसी भी समय कोई दुर्घटना घटित हो सकती है अंधेरे के कारण और ये दो लाइटें ये भी बंद पड़ी हैं, आगे खंबे पर भी लाइटें बंद पड़ी हैं, ये 5 लाइटें हो गई। नया रोड पड़ा है यार, गर्मी लग रही है इधर। हम दिखा रहे हैं नगर निगम के सामने का हाल, 5 लाइटें और ये 5 और 2 7, ये 7 लाइटें बंद हैं और सामने के खंभों की तो सारी लाइटें बंद हैं, ये सामने के खंभों की लाइटें गायब। और इस समय ये नगर निगम के संबंधित अधिकारी खड़े हुए हैं और ये नगर निगम के मेयर काउंसिलिंग का बोर्ड लगा हुआ है नगर निगम गेट के बाहर, तो ये 7 लाइटें और एक ये 8, ये 8 लाइटें जो मेरे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, रोड पड़ रहा है और ये नगर निगम जलकर विभाग के दफ्तर के बाहर की लाइट गायब, 9 लाइटें है जल के विभाग का 9 और नगर निगम दफ्तर के पास 10वीं लाइट और ये 11 और आगे 12 ये 12 लाइटें आधी हाई मास्ट जल रही है और आधी नहीं जल रही है, जो हाई मास्ट जल रही है 12 आगे आगे चलो आगे जरा दिखाओ, 13वीं लाइट इस खंबे से गायब, आधी अधूरी हाई मार्च चल रही है 13वीं, आगे चलो।